नमस्कार दोस्तों, सफलता सूत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। एक राजा था, उसने एक बड़ा सुंदर बगीचा बनाया। उसमें उसने सत्य, प्रेम, ईमानदारी और सच्चाई, भक्ति, ज्ञान इत्यादि के पौधे लगाए। इन पौधों की राजा स्वयं देखभाल करता, उनमें खाद पानी देता। पौधे बड़े होने लगे, उन पर फूल खिले। उन फूलों में ऐसी महक थी कि सारा नगर और राज्य महक उठा। चारों ओर राजा की बड़ाई होने लगी, उसकी जय जयकार होने लगी। राजा फूलकर कुप्पा हो गया। कुछ ही दिनों में राजा ने देखा, बगीचे में एक नन्हा सा पौधा अपने आप उगाया है। बड़े बड़े पौधों के बीच उस पौधे का क्या मूल्य हो सकता था? राजा ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। जब वह पौधा तेजी से बढ़ने लगा तो राजा ने उसे उखाड़ने की कोशिश नहीं की। सोचा, कोई बात नहीं है, पड़ा रहने दो। थोड़े दिन बीते कि उसमें एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उस पर सुंदर फूल खिले। फूल इतने सुंदर थे कि जो भी देखता देखता रह जाता, लेकिन उनमें इतनी भयंकर दुर्गंध थी कि लोगों को सहन करना कठिन था, वे नाक बंद कर लेते। राजा हैरान था कि यह वृक्ष कौन सा है कि जिसके फूल तो इतने सुंदर हैं पर जिसकी गंध इतनी असहनीय है। उसने बहुतों से पूछा पर कोई कुछ नहीं बता सका। एक दिन एक साधु राजा के यहाँ आया। राजा ने उसे वह वृक्ष दिखाया और पूछा कि वह किस चीज का है। साधु ने इस पर निगाह डाली, फिर हंसकर बोला, राजन, यह अहंकार का विष वृक्ष है। इसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यह अपने आप उगाता है और तेजी से बढ़ता है। इसके फूल बड़े लुभावने होते हैं, लेकिन इनकी बदबू इतनी होती है कि दूसरे फूलों की खुशबू को मिट्टी में मिला देती है। इससे जो बचता नहीं उसकी वैसी ही हालत होती है जैसी आपकी बगीचे की हुई है।